इस महीने की 4 तारीख यानी कि 4 मई को वरूथनी एकादशी मनाई जा रही है। वरूथनी एकादशी पर भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन की पूजा की जाती है। वैदिक कैलेंडर मास में बढ़ते शुक्ल पक्ष और घटते कृष्ण पक्ष चंद्र चक्र का 11वां चंद्र दिवस तिथि है। श्री हरि ने वरदान दिया था कि एकादशी सभी तीर्थों की यात्रा करने से ज्यादा पुण्य देने वाली होगी। तब से एकादशी का व्रत रखने पर श्री हरि अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वरूथनी एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस दिन व्यक्ति को उपवास के दौरान एक समय भोजन करना चाहिए, वो भी इस एकादशी से एक दिन पहले दशमी को यज्ञ में चढ़ाया गया हविष्यान्न भोजन यानी कि मसाले नमक और तेल के बिना उबला हुआ भोजन ही व्रत का पालन करने वालों को खाना चाहिए। इस दिन व्रत करने पर उड़द की दाल, चना, शहद, सुपारी, पान और पालक नहीं खाते हैं। इसके साथ ही बेल धातु के बर्तन में भोजन करना और दूसरे के घर में भोजन करना भी वर्जित माना गया है। ध्यान रहे, आप निर्जला या फलाहार व्रत अपनी इच्छा अनुसार इस दिन रख सकते हैं, लेकिन इस व्रत में नमक यानी कि सादा या सेंधा दोनों ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहीं आप चाहें तो इस दिन चाय, दूध, कॉफी, शरबत, नींबू पानी आदि का सेवन कर सकते हैं। इस दिन आप फल और फलों का जूस भी खा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।